डियर स्टूडेंट, अब हम आ रहे हैं अपने लेक्चर नंबर 9 के सेकंड पार्ट पे। और लेक्चर नंबर 9 क्या चल रहा था हमारा, एवोगाड्रो नंबर। और एवोगाड्रो नंबर में हमने डिस्कस किए थे प्रीवियस लेक्चर के लास्ट में कुछ फार्मूलाज, ठीक है। उन फार्मूला को हम दोबारा देख लेते हैं एक बार, क्योंकि सही तरीके से अगर फार्मूले समझ में नहीं आए तो इसके न्यूमेरिकल्स आसानी से सॉल्व नहीं होते। अगर एक मरतबा न्यूमेरिकल हमें सही से समझ में आ जाए, सॉरी फार्मूलाज, तो न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आती। तो पहला फार्मूला हमने डिस्कस किया था, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल मीन्स एटम्स, आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स, डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू आपको पता है 6.02 एक्सपोनेंट 23 कॉन्स्टेंट है। इस फॉर्मूले को आप अगर नंबर ऑफ मोल मालूम करना है तो इसी तरह ही रखेंगे, किस चीज से, नंबर ऑफ एटम, आयन या पार्टिकल से। लेकिन अगर आपको पार्टिकल्स पूछे गए हैं, नंबर ऑफ एटम्स पूछे गए हैं, ठीक है, आयंस पूछे गए हैं, मॉलिक्यूल की तादाद मालूम करने को कही गई है, तो जस्ट फिर आपने ये फॉर्मूला इस तरीके से पुट नहीं करना। किस तरह करना है, पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक तरफ रहेंगे, ये एवोगाड्रो वहाँ जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल बराबर किसके हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स या एटम की तादाद मालूम कर सकते हो, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला जो हमने डिस्कस किया था वो था नंबर ऑफ मोल का ही, लेकिन वो बेस कर रहा था मास के ऊपर, कि अगर आपको मास दिया हो, एटम्स मॉलिक्यूल की तादाद ना दी गई हो, मास दिया हो, अगर आपने नंबर ऑफ मोल मालूम करना है तो उसी के एटॉमिक मास, एटम है तो एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जब इससे हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे, क्लियर हो गई बात। अगर ऐसा ना हो, आपसे पूछा जाए मास, कि आप मास बताएं कितना है, नंबर ऑफ मोल और एटॉमिक मास आपको दिया है, तो सही सोचा आपने, आपका ये वाला हिस्सा जो डिनोमिनेटर में है यहाँ आके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो फॉर्मूला बन जाएगा मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। तो आप अगर मास मालूम करना चाहोगे तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अच्छा, तीसरा फॉर्मूला हमारे पास जो है वो है वॉल्यूम के हवाले से। वॉल्यूम के हवाले से क्या है कि अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हो, दिया गया हो वॉल्यूम, एक बात याद रखिएगा, वॉल्यूम आप यहां जो पुट करेंगे वो डीएम क्यूब में ही करेंगे, एसटीपी कंडीशन पे। अगर आपने कोई और यूनिट पुट कर दी, मिसाल के तौर पर बहुत सारी यूनिट हैं आपके पास, आप मिलीलीटर भी दी जा सकती है आपको, याद रखिएगा मिलीलीटर बराबर होता है सेंटीमीटर क्यूब के, लीटर बराबर होता है डीएम क्यूब के, ठीक है। अगर आपको सीएम क्यूब में दिया हुआ है तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा डीएम क्यूब में, जब आप उसको रख सकते हो। अगर मिलीमीटर क्यूब में भी दिया हुआ है तो आपको उसे डीएम क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जब आप वॉल्यूम आप को क्या करोगे, आप 22.4 से डिवाइड करोगे स्टूडेंट वैल्यू से, तो आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ मोल। ये तीनों फार्मूले पहले भी डिस्कस किए थे प्रीवियस लेक्चर में कि नंबर ऑफ मोल मालूम करने के क्या हैं। लेकिन अगर आपको वॉल्यूम पूछा गया है तो क्या करेंगे, तो ये वाला हिस्सा जो यहाँ डिवाइड में मौजूद है वहां जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो क्या फार्मूला बन जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय 22.4 डीएम क्यूब। तो इस तरीके से आप कोई भी गेज जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी वो आप मालूम कर सकते हो, ठीक है। तो इन फॉर्मूले को आपने लाजमी अपने दिमाग में रखना है, ये पर्टिकुलरली दिमाग में होंगे तो आपके लिए न्यूमेरिकल इंतहाई आसान हो जाएगा। लेकिन अगर यही न्यूमेरिकल आपसे कोई भी ये मिस करता है तो आप फिर आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम होगी। याद रखिएगा ये जो तीन है, 1, 2, 3, इनको आप याद रखेंगे ऑटोमेटिकली ये खुद ब खुद आप बना सकते हैं। इनमें से कोई आप भूलेंगे तो आपको परेशानी का सामना होगा, ठीक है। तो आपने इस बात का पूरा ख्याल रखना है
न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हुए कि कुछ भी आपने इस तरह नहीं करना है कि आपके दिमाग से कोई भी चीज़ निकल जाए, ठीक है। तो याद रखिएगा इन चीज़ों में बहुत सारी बातें हैं, ये न्यूमेरिकल्स हैं, ये फार्मूले हैं, इन फार्मूले को आप दिमाग में लाजमी रखिएगा जब आप इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, एक जगह आप लिख भी लें इनको ताकि बार बार आप इसको दोहरा सकें। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रही है ना बात, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करना सिखाएंगे, तो कोशिश करेंगे कि आपको अच्छी तरीके से आ जाए, इन फॉर्मूलों का यूज़ करना सिखाएंगे। तो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम आपको इसके बारे में इसका इस्तेमाल भी बताएंगे। शुक्रिया।